ट्रॉन के इकोसिस्टम में बहुत लंबे समय के बाद हमें कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब भी ट्रॉन के इकोसिस्टम में जब भी पंप आता है तो वो सारे के सारे कॉइंट्स में आता है। आज आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रॉन में यहाँ पे जो टॉप के कॉइंट्स हैं उनमें BTT आता है, APNFT, जस्ट यानी कि GST कॉइन, विन कॉइन आता है जो कि विंक लिंक है, इसी के साथ सन के नाम से कॉइन है। तो ये 4-5 मेजर कॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे कॉइंट्स हैं जो इसके इकोसिस्टम में आते हैं। और आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो कि सारे के सारे इकट्ठे ही पंप हुए हैं और इनका जो ग्राफ है बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है एक दूसरे के साथ। एंड हाँ, डेफिनेटली यही कारण है कि अभी BTT में भी पंप आ रहा है। तो आपको शायद कोई भी रीज़न नहीं मिल रहा होगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि BTT क्यों अभी पंप हो रहा है और इसके बाकी कॉइंट्स भी पंप क्यों हो रहे हैं और इनमें हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है या नहीं। ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 2 गुना हो चुकी है, यानी कि 100% प्रॉफिट मिल गया। जितने आपके पास कॉइंट्स हैं उनकी जो वैल्यू थी उसकी 2 गुना वैल्यू ऑलरेडी हो चुकी है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद ही 1 पैसा 1 रुपया जाएगा या नहीं जाएगा, तो मैं आपको अभी बता दूं कि इसकी वैल्यू जो है वो मीम कॉइंट्स की तरह दिख रही है, यानी कि इसमें टोटल 6 जीरोस हैं। तो 6 जीरोस अभी मैं बात करूँ तो शिवा इनो की भी नहीं है, उसमें भी कम जीरोस हैं। तो इतनी जल्दी ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन बुल मार्केट कुछ भी कर सकता है, यानी कि इसकी वैल्यू बहुत अच्छी हो सकती है, इसकी 2 से 3 जीरोस बहुत ही जल्द कम हो सकती है। तो BTT के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स मैं टेलीग्राम के ऊपर डालता रहता हूं, वॉफ्ट ऑफिशियल आप सर्च कर लो या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहां पे हर एक अपडेट सबसे पहले आपको मिलने वाली है। तो जो भी अपडेट्स मैं वीडियोस में नहीं डाल सकता था वो मैं टेलीग्राम के ऊपर डालता हूं या फिर ट्विटर के ऊपर डालता हूं, तो हमेशा वहां पे कनेक्टेड जरूर रहना। तो फिर से हम देखते हैं, यहां पे आप देख सकते हो ट्रॉन में इतना खास पंप नहीं आया, लेकिन BTT यहाँ पे बहुत ज्यादा पंप हो रहा है। 100% से भी ज्यादा जो प्रॉफिट है पिछले 7 दिनों के अंदर हुआ है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगभग 100% प्रॉफिट मिला है, लेकिन 7 दिनों की बात करें 120% के आसपास गया है। APNFT ने भी अच्छा प्रॉफिट दिया, GST ने, विंक कॉइन ने, सन कॉइन ने, यानी कि सारे ही कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर हम BitTorrent की बात करें तो वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर से आपको बता दूं कि पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग एंड टॉरेंट प्लेटफॉर्म है, जो हम पहले बहुत समय पहले टॉरेंट्स यूज़ करते थे, शायद आज भी आप यूज़ करते होंगे। यानी कि अगर आप मूवीज़ डाउनलोड करना चाहते हो, कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हो, वो टॉरेंट के द्वारा आप करते हो, तो वो सब कुछ इसी का ही है। लेकिन ये धीरे धीरे क्या है कि अभी ये टोटली डिसेंट्रलाइज होता जा रहा है और इसको परचेज कर लिया गया था जुलाई 2018 में ट्रॉन के द्वारा, यानी कि पहले तो ये अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन इसको ट्रॉन के द्वारा परचेज कर लिया गया था, जिसकी वजह से ये ट्रॉन के इकोसिस्टम में आ गया था। और आज के समय की बात करें तो कोई छोटा मोटा कॉइन नहीं है, आज भी इसकी जो वैल्यू है BTT बोल सकते हैं या फिर BTTC बोल सकते हैं, ये बाइनेंस के ऊपर लगभग 40% इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रही है। तो एक और चीज़ का ध्यान रखना कि इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 990 बिलियन BTT ही है। और आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो बतानी भूल गया था वो ये कि इसकी जो वैल्यू इतनी ज़्यादा कम है, यानी कि इतनी ज़्यादा जो जीरो सैड हुई है ये कुछ समय पहले ही हुई थी, यानी कि इससे पहले BTT की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1 BTT के बदले में शायद 1000 BTT दिए थे। तो जिनके पास भी BTT पड़े थे उनको 1 के बदले में 1000 मिल रहे थे, 1000 के बदले में कितने हो गए, वो टोटल 1,000,000 बन गए थे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कॉइंट्स आपके वॉलेट में भी दिख रहे होंगे अगर आपने BTT को कभी बाई किया होगा। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे पंप क्यों आ रहा है, तो सबसे मेजर जो रीज़न है वो आप सामने देख सकते हैं कि ट्रॉन का जो इकोसिस्टम है, इसकी जो डिफाई की वैल्यू है वो $20 बिलियन तक पहुँच चुकी है। तो आज से कुछ दिन पहले ये बात कर रहे थे कि $19 बिलियन के आसपास है, लेकिन अभी इसका जो TVL है टोटल वैल्यू लॉक्ड 20 बिलियन तक पहुँची है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और आप यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे कि ट्रॉन जो है एक्चुअल में जो खुद ट्रॉन है इसकी 11th पोजीशन चल रही है और कुछ समय पहले 24-25 पोजीशन के आसपास चला गया था। अब धीरे धीरे इसकी जो वैल्यू रिकवर होती जा रही है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू को डॉलर्स में नहीं काउंट कर रहा, बल्कि इसके मार्केट कैप से काउंट कर रहा हूँ कि $9.2 बिलियन के आसपास इसका अभी मार्केट कैप है, यानी कि एनी हाउ इसने 10th पोजीशन के आसपास अपनी जगह बना ली है। वही अगर हम बात करें BTT की तो उसकी पोजीशन लगभग 60 के आसपास चल रही है, जो कि एक्चुअल में 62 है। और यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हो, BTT न्यू, यानी कि न्यू इसलिए लिखा हुआ है, आपको बताया था कि 1000 के बदले में 1000 मिले थे, जिस कारण जो अभी मैंने आपको पहले सप्लाई बताई थी वो एक्चुअल में इसकी वाइट पेपर की सप्लाई थी, लेकिन अभी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड जैसी दिख रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, 951 ट्रिलियन BTT की अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। वही 24 आवर्स की बात करें तो यहाँ पे भी ट्रिलियंस में है, जो कि 286 BTT ट्रिलियंस की है, यानी कि इतनी ज़्यादा सप्लाई अभी मार्केट में घूम रही है। यही कारण है कि आपको बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू ऐसा तो नहीं है कि 1 पैसा पहुँच जाएगी या 1 रुपया पहुँच जाएगी, $1 पहुँच जाएगी, लेकिन इतना है कि आने वाले समय में ये प्रॉफिट ज़रूर देगा, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड बेस्ट प्रोजेक्ट है। और हमेशा जब ट्रॉन में कोई भी अपडेट आता है, कोई भी बड़ी अचीवमेंट होती है ट्रॉन की, तो उसका इम्पैक्ट सभी के सभी ऑल्टकॉइंस के ऊपर जो ट्रॉन के इकोसिस्टम में आता है उनके ऊपर पड़ता है।
अब इसी के साथ साथ ट्रॉन दाओ ने क्या एक और अनाउंसमेंट करी थी, इन्होंने बताया कि ये अभी और भी ज़्यादा डेवलपर फंड देने वाले जो कि $100 मिलियन के आसपास हैं, और ये इंटीग्रेशन करने वाले BRC20 के साथ, और जो BTT की माइनिंग है ये भी रेगुलर बेसिस पर चलती रहती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल माइनर्स एक्सीडेड 7.25 मिलियन, और जो टोटल रेवेन्यू है ये 22 ट्रिलियन BTT में ऑलरेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं धीरे 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 क्या है कि BTT हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। कुछ चीज़ें और बताऊं तो ट्रॉन, अगर आप नहीं जानते तो ये सेकंड बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है स्टेबल कॉइन इंडस्ट्री में, क्योंकि लगभग $48 बिलियन के जो स्टेबल कॉइन्स हैं यानी कि जो टेथर हैं वो ट्रॉन ब्लॉकचेन के ऊपर ही हैं। अब यहाँ पे ट्रॉन ब्लॉकचेन और BTT की चेन यानी कि इनकी दोनों की अलग अलग चेन है, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन इन द एंड आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो रिटर्न्स हमें अच्छे मिल रहे हैं वो सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स में मिल रहे हैं, और ये क्यों मिल रहे हैं क्योंकि ऑल्ट सीजन आ चुका है। अभी आप ऐसा कॉइन देखोगे जैसे कि FTX का FTT जो कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया था वो भी अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, लूना की बात करें उसका LUNC है, USDT है वो भी अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, यानी कि लगभग सारे ऑल्ट कॉइन्स जो बिल्कुल खत्म हो गए थे बेयर मार्केट में वो अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक मौका ऑल्ट सीजन का, लेकिन मेक श्योर कि कोई भी प्रॉफिट आपको होता है तो उसको बुक जरूर कर लें, वरना ये सिर्फ दिखता ही रह जाएगा और आप उसके बाद बोलोगे कि प्रॉफिट आया था लेकिन हाथ में नहीं आ पाया। तो बुक करके अपना कुछ और बाय कीजिए, जो और कॉइन्स आपको बताऊंगा कुछ टेलीग्राम के ऊपर कुछ नेक्स्ट वीडियोस में, उनमें भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें ताकि आपको प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पर बने। अगर आपको और कॉइन्स की लिस्ट चाहिए, किसी भी कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, नीचे कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। थैंक यू।